हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय AMM पब्लिक स्कूल। आज आपका कंप्यूटर का टर्न है तो निकालिए अपने कंप्यूटर की बुक और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। पेज नंबर 39 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 है इंसर्टिंग टेबल्स, यानी कैसे हम अपने कंप्यूटर में अपने जो वर्ड है उसमें टेबल यूज करते हैं। जो टेबल होती है बच्चों रोज और कॉलम से मिलकर बनी होती है। कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, स्ट्रेट लाइन में जो हमारे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और रोज जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, याद रखेंगे आप। और जब एक रॉ और एक कॉलम मिलता है, कहीं इंटरसेक्ट करता है, तो वहां पर वो एक सेल बना लेते हैं। अब कैसे हम टेबल बनाएंगे, तो जहां पर भी हमें टेबल बनानी है वहां पर हमने अपना कर्सर रखा, इंसर्ट टैब पर गए, वहां पर टेबल कमांड हमने एक्सेप्ट करी और जितने भी हमें टेबल के बॉक्सेस चाहिए वो हमने चूज कर लिए वहां पर से। उसके बाद जब हम उसे ओके कर देंगे तो वो हमारी टेबल अपीयर हो जाएगी। हम अपने जो पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे भी टेबल में डाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, बस हमें अपने जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें नई रो और कॉलम अगर लगाना है तो जहां पर भी हमें नई रो और कॉलम लगाना है वहां पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट रोज अबव, यानी एक रो जहां पर आपने क्लिक करी है उसके ऊपर आ जाएगी। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो रो आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम कॉलम लगा सकते हैं, कॉलम में भी हमें एडजेसेंट मतलब उसके साइड में आएगा, राइट में लेना है, लेफ्ट में लेना है, ये आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। डिलीट करना है हमें तो हम उसे पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें ऑप्शन दिखाएगा कि रो करनी है, कॉलम करना है, क्या करना है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। जब हमें टेबल में डिजाइन लगाना है तो अब हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और डिजाइन टैब पर जाएंगे, वहां पर हमें टेबल स्टाइल्स दिखाएगा, वो उसके हिसाब से जो हमें चूज करना है वो चूज करेंगे और हमारे टेबल डिजाइन सेलेक्ट हो जाएंगे। बॉर्डर जोड़ने के लिए भी हम डिजाइन टैब पर ही जाएंगे और लाइन स्टाइल या लाइन वेट या पेन कलर हम चूज करेंगे और वहां पर बॉर्डर्स का ऑप्शन आएगा, वहां पर हम कोई भी बॉर्डर उसमें लगा सकते हैं। बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, वो आपको करनी है और क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों यहाँ तक आपका हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ तक के सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।